कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को एक नए थाल पूस का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। एकदम यूनिक डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। देखिए आप लोग, यूट्यूब पे ऐसा डिज़ाइन नहीं होगा, आप लोग देख सकते हैं। एकदम यूनिक डिज़ाइन है, आप लोग इजी भी है बनाने में, भी इजी है, आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ से शुरू करेंगे, तो मैं यहाँ से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बनाना बताती हूँ कैसे बनेगा। शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे ऊन ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए ऐसे क्रोशिया में फंदे को डालेंगे और ऐसे करके खींचेंगे, फिर एक चैन ले लेंगे। देखिए ये हम लोग का एक छोटा सा मैजिक रिंग बन गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे। उसके बाद से इसमें हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चैन को काउंट करके, देखिए ऐसे इसमें हम 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं आप लोग को 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे का स्टेप बताती हूँ, सेकंड जो राउंड है वो कैसे बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद तो हम इसमें डालकर देखिए इसको ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और यहीं पे डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम एक जगह से दो दो डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी जगह एक बार और डालेंगे क्रोशिया को और एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक जगह से दो दो डबल क्रोशिया बना है। मैं एक जगह से दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए हमने एक जगह से दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम चैन में डालकर देखिए यहाँ चैन में डालकर इसको ज्वाइंट कर देंगे और तीन चैन लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक जगह से एक ही बार लेंगे। देखिए मैं आप लोगों को समझने में आसानी करने के लिए इसको दिखा रही हूँ। देखिए हमने यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद से यहाँ पे हम एक जगह से दो दो डबल क्रोशिया बनाया था। फिर यहाँ पे देखिए एक जगह से एक ही डबल क्रोशिया बना है, उसके बाद से ये डिज़ाइन शुरू हुआ है। तो मैं ऐसे ये लास्ट वाला थर्ड राउंड कंप्लीट करके ये डिज़ाइन बनाना आप लोग को बताती हूँ। देखिए हमने ये बना लिया है, इसके बाद से मैं आप लोगों को डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने तीन चैन ले लिया है, इसके बाद यहाँ पर डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन को काउंट कर लेंगे, दो हो जाएगा, तीन चार, चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार। फिर देखिए एक दो तीन, यहाँ पे हम तीन छोड़ेंगे। उसके बाद से यहाँ पे डालकर एक डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चार चैन लेंगे, देखिए और एक दो तीन, देखिए यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर चार चैन लेंगे, दो, और यहाँ से तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे नीचे से और एक सिंगल एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो तीन चार। फिर चार चैन लेंगे, यहाँ से
देखिए यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ही ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे ये रो कंप्लीट करने के बाद हम चैन लेते हुए और इस फंदे को बीच में लेकर आए हैं। उसके बाद फिर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और यहीं पे डालकर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चार चैन लेंगे हम यहाँ पे देखिए इस चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चार चैन लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे बनाया है, इसके बगल साइड में अब देखिए यहाँ पे बीच में एक दो तीन चार देखिए यहाँ पे जो हमने शुरू में एक डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे उसके बगल में डालकर इसको देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, फिर उसके साइड वाले चैन में नीचे डालकर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर चैन लेंगे चार। देखिए ऐसे ही जो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ऐसे ही ये रो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है यहाँ पे हमने चार डबल क्रोशिया बना लिया है, उसके बाद से एक दो तीन चार चार चैन लेंगे, फिर हमने ये जो बनाया था इसमें डालकर सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए ऐसे बनेगा, उसके बाद एक दो तीन चार चार चैन लेंगे, फिर यहाँ बीच में डालकर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर चार चैन लेंगे। देखिए ऐसे ही हमने ये जो बनाया है इसमें चार डबल क्रोशिया और इसमें सात डबल क्रोशिया बनेगा, फिर इसमें चार डबल क्रोशिया बनेगा और इसमें सात डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। मैंने ये कंप्लीट कर दिया है सात डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तीन चैन लेने के बाद एक जगह से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार चैन लेंगे, उसके बाद से ये जो हमने सात डबल क्रोशिया बनाया था पहले वाले में डालकर यहाँ से हम छह डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह से। देखिए दो तीन
चार पाँच छः, देखिए ऐसे बनेगा। अब इसको देखिए ध्यान से, ये जो फंदा है हम लोग का, इसको ऐसे पीछे से लेके जाएंगे और यहाँ पर हम इसको लास्ट वाले चैन में डालकर ऐसे डालते हुए इसको निकाल लेंगे। फिर दो चैन लेंगे, दो, और ये दूसरे वाले में डालकर यहाँ पर भी छह डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसको पीछे से ऐसे लेकर जाएंगे और यहाँ पे लास्ट वाले चैन में डालकर इसको ऐसे खींच लेंगे और लॉक कर देंगे। फिर दो चैन लेंगे, देखिए ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब देखिए फिर हम इसको पीछे से ऐसे लेकर आएंगे और हम देखो ऐसे करते हुए लॉक कर देंगे। फिर दो चैन लेंगे, ऐसे ही ये जो तीन है इसमें भी बना लेंगे। मैं आप लोग को बना कर बताती हूँ। देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखिए ऐसे बनेगा। तो चार यहाँ पे बन गया है, दो और बनेगा यहाँ पे। तो मैं ये दोनों बना के आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फ्लावर यहाँ पे बन गया। फिर हमने चार चैन ले लिया है। उसके बाद से यहाँ पे बीच में चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर चार चैन लेंगे। अब देखिए जो हमने सात बनाया था, तो हमें इसके अंदर बनाना, जैसे देखिए यहाँ पे बनाना है और यहाँ पर इसके अंदर बनाना है। तो सात हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर हम लोग का छः फ्लावर बनेगा। ऐसे देखिए फ्लावर बनाना बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों को एक बार और दिखा दे रही हूँ। देखिए ऐसे लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये छः। देखिए इसको हम ऐसे पीछे से लेकर जाएंगे और जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है शुरू में, जो वहाँ पर चैन में डालकर इसको फंदे को लेते हुए ऐसे इसको लॉक कर लेंगे। अब जब बनाना शुरू करेंगे आपको आ जाएगा, बहुत आसान है बनाना। देखिए ऐसे ही ये बनेगा, जैसे हमने ये बनाया हुआ है। देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को ये बना के दिखा रही हूँ। उसके बाद से यहाँ और ये डिज़ाइन शुरू होगा, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। पहले ये फ्लावर कंप्लीट हो जाए फिर बता। मैंने ये फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे ये जो चैन हम बनाए थे तीन, उसमें डालकर इसको लॉक कर लेंगे और यहीं पे तीन चैन बनाएंगे। देखिए एक, दो, तीन, तीन चैन हो गया हम लोग को। फिर देखिए यहाँ से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे चैन को काउंट करके, देखिए ये हम लोग का चार बन गया। अब यहाँ पे दो चैन लेंगे, फिर ये बीच में हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे। अब देखिए उसके बगल वाले क्रोशिया
में डालेंगे और वहाँ से हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही जगह से। बनाना बहुत आसान है, आप लोग ट्राई कीजिए, बनाना शुरू करेंगे तो आप बना लेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ पे चार बनाया था, फिर दो चैन लिया है, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर चार डबल क्रोशिया एक ही जगह से, फिर चार चैन लेंगे। देखिए अब हम इसमें ये दो छोड़ेंगे, दो फ्लावर छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे बीच में डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो चैन लेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर देखिए यहाँ पे दो छोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे, उसके बीच में डालेंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे हमने यहाँ पे दो छोड़ा, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर दो छोड़कर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। अब हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार। अब इसमें देखिए ये जो किनारे का है पहला डबल क्रोशिया उसमें डालेंगे। देखिए ये जो है इसमें हम डालेंगे और यहाँ से चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर दो चैन लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, यहाँ पे चार डबल क्रोशिया। इस बीच बीच में मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट एक टिकिया दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में और आसानी हो, आप लोग को समझ आए अच्छे से। देखिए ये हमने बना लिया, एक यहाँ पे बनाया, ये ऐसे बनाया। देखिए जैसे देखिए हमने यहाँ पे ये बनाया है, फिर यहाँ से डिजाइन स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे ये बना है। तो मैं आप लोग को सेम ऐसे ही बनाकर बता रही हूँ। देखिए चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार। अब देखिए यहाँ पे दो छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए चार चैन। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में डालकर एक जगह से चार डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए आप लोगों को जो ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। देखिए फिर दो चैन, अब देखिए चार चैन लेने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। देखिए ये हमने बनाना बताया है, यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ फिर से, ये सेकंड फ्लावर कैसे बनेगा। देखिए एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और यहाँ पे जो हमने ये शुरू में बनाया था इससे पहले उसके बीच में डालेंगे और यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर दो चैन लेंगे और हमने ये जो बनाया था एक सिंगल डबल क्रोशिया उसके बीच में डालेंगे और यहाँ पे एक बना लेंगे। देखिए ऐसे और इसके बीच में हम डालेंगे और यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक दो तीन चार, चार हमने बनाया हुआ था। देखिए इसमें हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने फ्लावर बनाने के लिए नीचे बनाया था वैसे ही सेम इसमें सात डबल क्रोशिया बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए हो गया।
फिर एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे और यहाँ पे बीच में डालेंगे दो डबल क्रोशिया छोड़कर। चार 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 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए सेम जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे ही यहाँ बनेगा। मैं बनाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ ये दूसरा फ्लावर कैसे बनेगा। देखिए ये तो भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। मैंने ज्वाइंट करके इसको बीच में कर लिया है। अब हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन लेंगे, फिर ये जो हमने बनाया था दो उसमें अब हम लोग का तीन डबल क्रोशिया बन जाएगा दो दो चैन के साथ। देखिए देखिए यहाँ पे तीन बन गया है। फिर हमने ये चार डबल क्रोशिया बना लिया है एक ही जगह से। अब एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे और ये जो हमने सात डबल क्रोशिया बनाया था उसमें सेम ऐसे ही फ्लावर बनाएंगे एक जगह से छह डबल क्रोशिया लेते हुए। देखिए अब यहाँ पे हम क्रोशिया को डालेंगे और एक ही जगह से छह डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए छह हो गया। अब हम इसको पीछे से चैन में डालेंगे और इसको लॉक कर देंगे। एक दो, देखिए दो चैन लेने के बाद ये एक बन गया। फिर ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए हम लोग का ये दो बन गया। ऐसे ही हम यहाँ पे देखिए तीन डबल क्रोशिया हम लोग का बीच में हो जाएगा दो दो चैन के साथ और ये अलग होता चला जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ है। देखिए ऐसे ही इधर और यहाँ पे फ्लावर बनेगा। फ्लावर सेकंड फ्लावर हम लोग का बन गया है। अब देखिए फिर हमने ये बनाया था यहाँ पे ऐसे ही सेम बनेगा तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए पहले बीच में यहाँ चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन। ये ऐसे ही ये बनेगा। देखिए अब यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब यहाँ पे ये दो फ्लावर छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो चैन लेंगे, फिर यहाँ पे दो फ्लावर छोड़ के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे एक दो तीन चार। देखिए ऐसे बनाने के बाद यहाँ पे हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले राउंड में। जब हम हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से अगले राउंड में हम यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसके अगले राउंड में ऐसे ही फ्लावर बन जाएगा। तो फ्लावर बनाने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए ये हम लोगों का
यहाँ तक बन चुका है, ये वाला राउंड हम लोग का बन गया, बन रहा है। ये बनने के बाद ऐसे बनेगा, फिर एक फ्लावर बन जाएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरा ये टिकिया आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये टिकिया बन के तैयार हुआ है। तो ऐसे ही सेम ये भी बन जाएगा। मैं आप लोगों को बनाने के बाद पूरा फाइनल करके टिकिया दिखाती हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे मैं जोड़ना बताऊँगी। हम लोग का ये कम्प्लीट हो गया। मैंने यहाँ तक आप लोगों को बनाना बताया था, आगे सेम पैटर्न रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम 6 और बना लेंगे। तो मैं आप लोगों को 6 और बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। इसमें 7 टिकिया लगेगा। 7 टिकिया से ये पूरा थालपुष बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पे ये बन गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देखिए ऐसे बनेगा। इसको हम ऐसे ये जो है एक दूसरे से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। देखिए ऐसे ये रहेगा। मैं आप लोग को अभी फ़िलहाल नॉर्मली बता रही हूँ। देखिए ऐसे रहेगा, ये ऐसे ये जुड़ेगा। ये पूरा सातों टिकिया एक दूसरे से जुड़ जाएगा। उससे पहले मैं आप लोग को इसमें जो रोज़ का फ्लावर बनेगा यहाँ पे वो बनाना बताती हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए ऐसे रोज़ का फ्लावर बनेगा। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर है। देखिए यहाँ पे हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इसको। इसमें 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। देखिए यहाँ पे ये जो हमने रिंग बनाया हुआ है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। देखिए 3 हो गया। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और यहीं पे जॉइंट कर देंगे। देखिए ऐसे बनेगा। फिर देखिए 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। यहीं से 3 डबल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए ये हम लोग का बन गया, 1, 2, 3। 3 चैन हो गया। अब यहीं पे ज्वाइंट कर देंगे मैजिक रिंग में। फिर 3 चैन लेंगे, 3 चैन लेने के बाद यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। अब देखिए यहीं पे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम इसको खींच लेंगे, जो हमने मैजिक रिंग बनाया हुआ था इसको खींच लेंगे। देखिए ऐसे हो गया। अब हम 1, 2, 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे जो उल्टी साइड का हम लोग का ये है यहाँ पे देखिए इसमें डालकर इसको फंदा निकालते हुए लॉक कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे इसको लॉक कर लेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा छोड़ेंगे, यहाँ पे करेंगे। देखिए फिर 3 चैन लेंगे। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 हम लोग का यहाँ पे हो गया। एक और कर लेंगे,
हमने ऊपर तीन पत्ती बनाया है, नीचे हम लोग का चार पत्ती बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे हम जॉइंट कर लिए, हम लोग का ये चार हो गया। फिर तीन चैन लेंगे, इसके अंदर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार। फिर देखिए तीन चैन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए देखिए हम लोग का ऊपर देखिए यहाँ पे तीन पत्ती बना है, उसके नीचे हम यहाँ पे चैन बनाकर जॉइंट किए हैं, उसी में हम चैन में बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बन गया, देखिए एक दो तीन, तीन बनेगा चैन। इसके अंदर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक दो तीन चार। फिर तीन चैन लेंगे, इसी में ज्वाइंट कर देंगे। देखिए दो हो गया, ऐसे ही बनेगा। हमने यहाँ पे दो पत्ती बना लिया, दो और बनेगा, चार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। एक दो तीन, फिर इसमें चार डबल क्रोशिया। देखिए चार डबल क्रोशिया, फिर एक दो। यहाँ पर मेरा उल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैं जॉइंट लगा रही हूँ। ये डबल उल है, देखिए हो गया। फिर यहीं से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। दो तीन, तीन चैन हो गया हम लोग का। ये देखिए यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग का चार हो गया, चार लिप बन गया। फिर एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने दूसरा लेयर बनाया है चार पत्ती वाला, देखिए हम लोग का पहला लेयर हो गया, ये दूसरा। इसमें अब हम देखिए यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्रोशियों को और इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए फिर चार चैन लेंगे और ये जो है इसमें हम जॉइंट कर लेंगे। फिर चार चैन लेंगे, देखिए बनाना बहुत आसान है। चार चैन ले लिया हमने, देखिए एक दो तीन, तीन बना लिया। अब ये चौथा बनेगा, देखिए चार हो गया। अब एक और बना लेंगे, ये लास्ट का है। अब हम इसमें ऐसे कर लेंगे। अब हम एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और इसमें पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार
पाँच, फिर तीन चार एक, दो तीन, तीन हो गया। देखिए यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए एक लास्ट का हम लोग का बन गया। फिर हम इसमें आएंगे उसके बगल वाले, दो तीन, तीन चैन लेंगे। देखिए इसमें पांच डबल क्रोशिया बनेगा। एक दो तीन चार पाँच, फिर तीन चैन इस जगह उसको डालकर ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हम उसके बगल वाले में होल में आएंगे। फिर एक दो तीन, तीन चैन पांच डबल क्रोशिया बनेगा इसमें। देखिए तीन चैन लेंगे, उसके बगल वाले में आएंगे। एक दो तीन, देखिए दो तीन चार, एक दो तीन, देखिए हो गया। एक और लास्ट का हम लोग का बन रहा है। देखिए एक दो तीन, देखिए अब हम ये लास्ट का बना रहे हैं। उसके बाद इसको ज्वाइंट कर लेंगे और धागे को ऐसे हम पीछे करते हुए इसमें इसको खींच कर उनको कट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे उनको कट कर दिया है। ऐसे ही हम सात बना लेंगे। देखिए दो बन गया है और हम यहाँ पे पांच और बना लेंगे। तो मैं आप लोगों को पांच बनाने के बाद दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे सात बना लिया। अब मैं आप लोगों को ये जोड़ना बता रही हूँ। ये देखिए इस पे ऐसे ये लगेगा, यहाँ पे सिला जाएगा पीछे साइड से। मैं पहले आप लोगों को ये सिलना बता रही हूँ। ये एक दूसरे से ऐसे देखिए ऐसे जुड़ेगा एक दूसरे से। ऐसे ही ये देखिए एक दो तीन, तीन हमने यहाँ पे ऐसे रख के बता दिया आप लोगों को। ऐसे ही ये तीनों भी यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रख के इसको कंप्लीट कर लेंगे गोलाई। उसके बाद से इसको ऐसे उल्टे साइड से ऐसे करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप लोगों को बताती हूँ कैसे यहाँ पे सिला जाएगा। देखिए हम इसको उल्टा कर लेंगे। ये सीधी साइड है और ये हम इसको उल्टा करके इस पर रख लेंगे। देखिए अब हम सुई को डालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो चैन है इसमें सुई को डालेंगे। देखिए इस पर हम सिलाई सुई से देखिए एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से और इसको सिल देंगे। फिर देखिए एक यहाँ से
और एक इसमें से देखिए देखिए हमने इतना सिल दिया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ से देखिए ऐसे ही ये जुड़ता चला जाएगा। आप लोग चाहें तो दोनों चैन में ऐसे डालकर सुई को सिल सकते हैं। देखिए ऐसे ही देखिए हम ऐसे ही यहाँ तक सिल देंगे। देखिए यहाँ तक सिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक सिलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से सिलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक देखिए इसमें 6 फ्लावर बना था तो 3 फ्लावर हमने सिल दिया है। अब ये 3 बाकी है तो इसमें हम एक और टीका खोलेंगे और यहाँ पे जो फ्लावर है तो 3 फ्लावर इसमें रहेगा और 3 फ्लावर इसमें रहेगा तो हम इसको ऐसे सुई को चैन में डालकर ऐसे कर लेंगे और ऐसे पकड़कर देखिए ऐसे चैन में डालकर सिल लेंगे। देखिए देखिए ऐसे ही सिलते हुए हम यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए ये हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया था और यहाँ तक लेकर आए थे, फिर यहाँ से हमने यहाँ तक जोड़ा है। अब यहाँ से एक और टिकिया लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे ही 6 टिकिया और है हम लोग का। यहाँ पे 6 टिकिया लगेगा तो 6 टिकिया पूरा जोड़ने के बाद से फिर यहाँ पे जो देखिए ये ऐसे यहाँ से और यहाँ तक सिलाएगा तो वो मैं आप लोग को एक सिलना बता दूँगी। पहले मैं ये 2 जोड़ टिकिया सिल ली हूँ इसमें और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बचा हुआ है। 4 सिलने के बाद से मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ से ये पूरा ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ से ये पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको ऐसे ज्वाइंट करते हुए यहाँ तक देखिए ऐसे करते हुए यहाँ तक हम लेकर आए थे। फिर उसके बाद हमने ये भी ज्वाइंट कर लिया है। ये तो दिख रहा है जैसे यहाँ पे है देखिए ऐसे यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया है और एक छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे अब हम इसको यहाँ पे देखिए ऐसे देखिए उनको डाल लिया हमने। अब इसमें हम देखिए ये जो है हम लोगों का ये 3 छोड़े थे इसी को पकड़ कर हम ऐसे देखिए फिर यहाँ से देखिए ये लास्ट का लुक है जो हमने फ्लावर बनाया था। अब देखिए हम इसमें चैन में तो ऐसे डालेंगे फिर यहाँ पे हम चैन में ये जो चैन दिख रहा है आप लोगों को बराबर बराबर चैन को देखते हुए इसमें हम
सिलते चले जाएंगे। देखिए देखिए ऐसे इसको ऐसे करते हुए देखिए इस पर आएंगे हम, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, एक एक क्रोशिया इसको पकड़ते हुए हम सिलेंगे। देखिए आखिरी का एक और डबल क्रोशिया बचा हुआ है, इसको भी हम इसी तरह से ऐसे सिल लेंगे। सिलने के बाद देखिए ये जो हमने एक जगह से चार डबल क्रोशिया बनाया था उसके फर्स्ट वाले चैन में डालेंगे और हम इसको भी सिल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट का है इसमें हम डालेंगे। देखिए अब हम चैन में ये जो चार चैन बनाए थे फ्लावर बनाने के बाद उसमें डालेंगे। देखिए अब ये जो है पत्ती उसमें हम डालेंगे और दूसरी टिकिए का जो फ्लावर है उसके फर्स्ट वाले पत्ती में डालकर अच्छे से हम सिल लेंगे। देखिए देखिए हमने ये तीन फ्लावर तक सिल दिया। अब यहाँ पे इसके बाद से हम सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए इसको अच्छे से सिल देंगे और उनको कट कर देंगे। देखिए अब देखिए हम सीधे साइड से आपको दिखाते हैं, ये हमारा सिल के ऐसे हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम फ्लावर्स को भी ऐसे ही एक 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 यहाँ पे रख के इसको सिल देंगे। देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, आप लोग देखिए। इसको भी हम उल्टे साइड से इसको पकड़ कर सिल देंगे और उसके बाद से मैं आप लोगों को झालर बुनना बताऊंगी कैसे इसमें झालर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे डालेंगे और ये ऊल को हमने डबल कर लिया है। देखिए इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 30 चैन बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 देखिए 24 25 26 27 28 29 30 देखिए 30 चैन हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे
जो लास्ट का है वहाँ पे डालेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए इसको बीस में लेके आएंगे। यहाँ पे आप दूरी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। वहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर एक दो देखिए ऐसे रहेगा। दूरी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। देखिए अब हम यहाँ पर लिखवाएंगे इसको। देखिए ऐसे हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे जो दिख रहा है इसमें। हम बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये ऊपर का बनाना। एक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से हम एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड राउंड बनाने जा रहा है सेकंड रो। तो देखिए इसको बीच में करेंगे। बीच में करने के बाद ऐसे देखिए यहाँ पे इसको ऐसे टाइटली बांध लेंगे। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखिए हमने तीस चांद बना लिया है। उसके बाद से फिर अब हम यहाँ पे बीच में इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए ऐसे ये बनेगा। फिर उसके बाद तीस चांद बनाएंगे। देखिए ये तीस चैन बन गया। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इसे इसको बीच में इसे फंदे को लेते हुए ज्वाइन कर देंगे। फिर देखिए ऐसे ही देखिए ये दूसरा रो है। एक रो और बनेगा। तीन रो बनेगा। आप चाहें तो दो रो भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोगों का ये थाल पोस बन के कम्प्लीट हो गया। देखिए मैंने झालर भी बना लिया है और बांध भी दिया है। तो देखिए हम लोग फाइनल लुक इसका इतना खूबसूरत है। आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिए। देखिए ये